108 चैती दुर्गा पूजा समारोह ढाका मोड़ बांका। पूजा का आयोजन दोनों टाइम पंडित के द्वारा पूजा कराया जाता है। शाम के समय संध्या बेला में सभी महिलाओं के द्वारा माँ दुर्गा का भजन गाकर सभी लोग आनंद विभोर होते हैं। मौके पर तेलिया पंचायत के मुखिया एवं गोड्डा झारखंड के चेयरमैन कल्पना कुमारी भी सभी महिलाओं के साथ दुर्गा माता के गीत गाने में शामिल हो गयी। दूसरी तरफ मेले का भी आयोजन बड़ी धूमधाम से की जा रही है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में अब कपड़े की चप्पलें पहनकर प्रवेश करेंगे श्रद्धालु, गर्मी में जलने से बचेंगे। पर विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर परिभ्रमण करने आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालुओं को महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा कपड़े का चप्पल मुहैया कराया जाएगा, जिसे जीविका की महिलाओं द्वारा तैयार किया जा रहा है। श्रद्धालु इन चप्पलों को पहनकर मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे और गर्मी में पैरों की जलन से बचेंगे। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को दिया जोरदार झटका, वो चाहा चुनाव से पहले कर दिया खेला। अभी वीआईपी व बीजेपी एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नामांकन से पहले तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के प्रत्याशी को अपने पाले में करके जोरदार झटका दिया था। अब मुकेश सहनी ने उनके साथ खेला कर दिया है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा जंक्शन पर लगेगा मधुबनी पेंटिंग का स्टॉल। दरभंगा स्टेशन पर रेल मंडल प्रशासन ने की नई पहल, मधुबनी पेंटिंग तथा इसके उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र की होगी शुरुआत। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की कड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा जंक्शन पर लगेंगे स्टॉल। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष की संपत्ति होगा कुर्क, भागलपुर अदालत ने दिया आदेश, जानिए पूरा मामला। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू केसर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भागलपुर अदालत ने दिया है। उसके ऊपर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने पर जारी किया आदेश। बिहार को मिली निराशा, मांग के अनुरूप नहीं बढ़ी मनरेगा मजदूरी पारिश्रमिक देने में हरियाणा अव्वल। मनरेगा की मजदूरी बिहार सरकार की मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पाई। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मजदूरी बढ़ाने की हमारी मांग जारी रहेगी, इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। बिहार के किसान ध्यान दें, फसल क्षति के लिए सरकार से मुआवजा पाना है तो जल्द ही कर ले ये काम। बिहार के किसानों को फसल क्षति का मुआवजा पाने के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है। दरअसल इस योजना के तहत आवेदन देने वाले कई किसानों के आवेदन में गलतियां पाई गई है। नहाए खाए के साथ कल से चैती छठ आरंभ, पटना के घाटों पर इंतजाम दुरुस्त। छठ सुनते ही जहन में बिहार की तस्वीर उभरती है। बिहार की राजधानी पटना में लोग चैती छठ के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। छठ के व्रत का आरंभ नहाए खाए के साथ कल से हो रहा है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह मुंबई में फुटपाथ पर बैठे दिखे, बिहार के लड़के ने बताई पूरी बात। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के पास आज दौलत की कमी नहीं है, फिर भी वे मुंबई में फुटपाथ पर बैठकर आखिर क्या कर रहे थे, वो भी गंजी और शर्ट पैंट में। बेगूसराय के युवक ने बताई पूरी बात। राग पासवान बोले, आश्चर्य है तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी ने उठाई आवाज, चाचा पशुपति पारस क्यों है शांत। चिराग पासवान ने एक बार फिर चाचा पशुपति पारस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि महापुरुषों के अपमान पर तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी। वे बोले, लेकिन चाचा पशुपति पारस वे क्यों चुप है। कटिहार स्थानीय प्राधिकार के तहत विधान पार्षद चुनाव सोमवार को मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। जिले के 16 प्रखंड मुख्यालय में स्थित अंचलाधिकारी के कार्यालय कक्ष को मतदान केंद्र बनाया गया था। चुनाव में 3,742 मतदाताओं में से रिकॉर्ड 99.33% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। पूर्णिया SDPO को क्यों नहीं चाहिए सरकारी वाहन, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। पूर्णिया SDPO की अनूठी पहल, छापेमारी के लिए गाड़ी वरना साइकिल की सवारी। साइकिल से ही कार्यालय आते जाते हैं SDPO SK सरोज, लोगों से भी करते हैं अनावश्यक वाहन का उपयोग ना करने की अपील। पशुपति पारस बोले, चिराग का बंगला खाली होने से सबसे अधिक दुखी मैं, रीना पासवान की तस्वीर पर उठाया सवाल। दिल्ली में 12 जनपद स्थित रामविलास पासवान का बंगला खाली करने को लेकर बिहार में राजनीति खूब गर्म है। इस बीच दिवंगत नेता रामविलास के भाई पशुपति पारस ने इस मसले पर बड़ा बयान दिया है। नमक रोटी दीजिएगा तो कोई खाएगा क्या, पशुपति पारस ने नीतीश कुमार के मसले पर कहा ऐसा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दिया बड़ा बयान, बोले, नमक रोटी दीजिएगा तो कोई खाएगा क्या। बिहार विधान परिषद के चुनाव में सभी सीटों पर NDA की जीत का किया दावा। स्थानीय प्राधिकार कोटे से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए सोमवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। करीब 98% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस महत्वपूर्ण चुनाव के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, प्रदेश से राज्यसभा के सभी सदस्यों, विधायकों और अन्य विधान परिषदों ने अपने अपने बूथ पर वोट डाले।
मतदान समाप्त होने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा, मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, किसी भी क्षेत्र से तोड़फोड़ और मारपीट की घटना की सूचना नहीं आई। मुंगेर मुख्यालय स्थित सदर अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाओं का अभाव है। यहाँ ज्यादातर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। निजी क्लिनिक या नर्सिंग होम को छोड़ दिया जाए तो सरकारी अस्पताल में आग, ब्रेन और अन्य दुर्घटना में गंभीर हुए मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। सदर अस्पताल में सभी प्रखंडों के अलावा बेगूसराय और खगड़िया जिले के मरीज बेहतर इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां आने के बाद व्यवस्था से मायूस होना पड़ता है। बेहतर इलाज की आस लेकर आने वाले मरीजों को यहां निराशा मिलती है। मुंगेर नगर निगम को नहीं पता कि चल रहा है नवरात और रमजान, शहर भर में फैली है गंदगी। मुंगेर नगर निगम को शायद पता नहीं है कि नवरात और रमजान शुरू हो चुका है। शायद यही वजह है कि उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा, तभी तो शहर भर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मस्जिद रोड में कूड़ा रहने से नवाजियों को काफी परेशानी हो रही है। चिराग पासवान का जोरदार हमला, बंगला तो खाली करा दिया, अब देना होगा हिसाब। जनपद के मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दिन में बंगला खाली करा दिया, लेकिन महापुरुषों का अपमान हुआ है, इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बिहार MLC चुनाव के दौरान अपना वोट कास्ट करने पहुंचे चिराग मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने उक्त प्रतिक्रिया दी। बिहार को अब नहीं नीतीश की जरूरत, राज्यसभा जाएंगे या नहीं, सवाल पर मंत्री ने NDA के बारे में कही बड़ी बात। जमुई में विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि NDA एकजुट है, भाजपा और जदयू गठबंधन MLC की सारी सीटें जीतेंगी। बिहार को अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जरूरत है, उपराष्ट्रपति बनने का निर्णय पर वे कुछ बता नहीं सकते। मुंगेर में वोट देने जा रहे विधायक को देकर फूट फूट कर रोने लगी महिला, मामला जानते ही लिया गया एक्शन। बिहार MLC चुनाव सोमवार को संपन्न हुआ, 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे। जनप्रतिनिधि वोट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे, इस दौरान मुंगेर में वोट करने जा रहे विधायक को देखकर एक महिला फूट फूट कर रोने लगी। महिला को देखते ही विधायक उनके पास पहुंचे। पप्पू यादव ने विपक्ष पर उठाए सवाल, बोले लालू यादव को परिवार वालों ने ही दिया धोखा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव सहरसा पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार में गुंडा व पुलिस में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाए, कहा कि यहां सिर्फ लालू यादव के नाम पर राजनीति हो रही है।